एज अकाउंटेंट अगर आप टैक्स प्रोफाइल हैंडल कर रहे हो, स्पेशली मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूं, और अगर आपको करियर में ग्रोथ देखना हो, आपके सैलरी में ग्रोथ देखना हो, आपके डेजिग्नेशन में ग्रोथ देखना, आपको अगर मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने की इच्छा हो, तो ट्रांसफर प्राइसिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जॉब प्रोफाइल हो सकता है। तो आज के सेशन में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि ट्रांसफर प्राइसिंग होता क्या है, इसमें एक्जैक्टली क्या जॉब प्रोफाइल होता है, आपको हैंडल क्या करना होता है, और ये कौन कौन सी कंपनी आपको पूछी जा सकती है, ये सभी चीजें आज के सेशन में समराइज वैसे हम समझेंगे। ट्रांसफर प्राइसिंग का जो पूरा कैलकुलेशन डिस्कशन होता है वो हमारे कोर्स में हम इन डिटेल कंसिडर करते हैं। हम यहाँ पे एक समराइज वैसे ट्रांसफर प्राइसिंग को समझ रहे हैं कि एक्जैक्टली होता क्या है और आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए और किस चीज का प्रिपरेशन आपको करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज, ट्रांसफर प्राइसिंग आपको कहाँ देखने मिलेगा? तो ट्रांसफर प्राइसिंग एक इंटरनेशनल टैक्सेशन का इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। सर, ये होता क्या एक्जैक्टली? होता ये है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कंपनी है ए लिमिटेड, करेक्ट, जो बेसिकली इंडिया में है, और एक दूसरी कंपनी है मान लेते हैं वाई लिमिटेड, ठीक है, जो बेसिकली दूसरी कंट्री में, कोई भी कंट्री मान लीजिए। अब यहाँ पे अगर ए लिमिटेड जो बेसिकली इंडिया में है और जो दूसरी कंपनी है मान लेते हैं यूएस में है, अगर वो इनको कोई चीज सेल करती है या उनसे कोई चीज अगर परचेस करती है, तो सर ये ट्रांजेक्शन किस प्राइस पे होगा? बेसिकली ये ट्रांजेक्शन जो है मार्केट प्राइस पे होगा। ये ट्रांजेक्शन किस पे होगा? मार्केट प्राइस पे होगा। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, रिलेशन का मतलब सर कहीं ना कहीं इनके बीच में मैनेजमेंट या कैपिटल लेवल पे कोई इंटरफेयर हो रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर ए लिमिटेड ने वाई लिमिटेड या फिर वाई लिमिटेड ने ए लिमिटेड की कंपनी में 26% से ज्यादा का शेयर्स कंसीडर किया हो, या फिर ए लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के जो उनकी बैलेंस शीट में उनके एसेट है, उनके एसेट के बुक वैल्यू का 50% से ज्यादा का लोन प्रोवाइड किया हो, या फिर ए लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के किसी लोन का 10% से ज्यादा का गारंटी कंसीडर किया हो, तो ऐसे मल्टीपल क्राइटेरियाज हैं। अगर ये क्राइटेरिया दोनों में प्रूफ हो जाते हैं तो सर इनको हम एसोसिएट एंटरप्राइज मानेंगे। तो अगर वो ट्रांजेक्शन एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में होता है तो वो ट्रांजेक्शन जो है मार्केट प्राइस पे नहीं किया जाएगा ऐसा मान के चलता है, और वो ट्रांजेक्शन किया जाता है सर मैनिपुलेटेड प्राइस पे। किस पे किया जाएगा? मैनिपुलेटेड प्राइस पे। मतलब सिंपल तरीके से अगर आप एक बिजनेस रन करते हो, एक शॉप रन करते हो, एक कस्टमर आपके पास कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए आता है तो उसको आप मार्केट प्राइस पे बेचोगे। अगर उसी शॉप पे आपके कोई रिलेटिव आते हैं, आपके स्पाउस, आपके चिल्ड्रन, आपके पेरेंट्स, तो आप उनको मार्केट प्राइस पे वो चीज सेल नहीं करेंगे, आप उनको मैनिपुलेटेड प्राइस पे करेंगे या तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। तो सर यहाँ पे यही बात जो है ट्रांसफर प्राइसिंग में बताई गई है कि अगर आप ट्रांजेक्शन किसी एसोसिएटेड एंटरप्राइज से करते हैं, कौन सा ट्रांजेक्शन? इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। इसलिए मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दो कंट्रीज के बीच में लिया है। ठीक है, डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन को भी कंसिडर किया जाता है, लेकिन स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, बट फिलहाल आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में फोकस करिए। अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होते हैं दो एसोसिएटेड एंटरप्राइज के बीच में, और वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज जो जिस प्राइस पे वो चीज ट्रांसफर करेंगे उसी प्राइस को हम क्या बोलते हैं? उस प्राइस को हम बोलते हैं ट्रांसफर प्राइस। उस प्राइस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर प्राइस बोलते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसफर प्राइस का मतलब होता है सर वो प्राइस जिस प्राइस पे एक कंपनी ने अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज को वो प्रोडक्ट या वो सर्विस या कोई भी इंटेंजिबल आइटम बेसिकली क्या किया, ट्रांसफर किया। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे एज अ गवर्नमेंट कि ये प्राइस मैनिपुलेटेड प्राइस होगी, तो आपको एज अ कंपनी प्रूफ करना है कि ये प्राइस मार्केट प्राइस है, और वो मार्केट प्राइस को टेक्निकल टर्म में हम बोलते हैं आर्म्स लेंथ प्राइस। उसको क्या बोलते हैं? आर्म्स लेंथ प्राइस। तो यहाँ पे बेसिकली ट्रांसफर प्राइसिंग में जो समराइज करूं तो आपका जो मेजर प्रोफाइल वो यही होता है कि आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं इंटरनेशनली आपके एसोसिएटेड एंटरप्राइज, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप किसी दूसरे अनरिलेटेड पार्टी से करें जो आपका एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है, तो उस केस में आपको ट्रांसफर प्राइसिंग लॉ अप्लाई नहीं करना है, सेक्शन 92 अप्लाई नहीं करना है। लेकिन अगर आपके एसोसिएटेड एंटरप्राइज से ट्रांजेक्शन होता है तो आपको ये प्रूफ करना होता है कि आपका जो प्राइस है वो एएलपी प्राइस के अकॉर्डिंग, एएलपी का मतलब आर्म्स लेंथ प्राइस। ठीक है, तो ये एएलपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इसके मल्टीपल मेथड्स हैं, जैसे आप बोलो रीसेल प्राइस मेथड हो गया, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड हो गया, ऐसे मल्टीपल मेथड्स हैं। बात करें तो टोटल 5 मेथड है, इसके अलावा एक एनी अदर मेथड भी यूज किया जाता है। तो इन मेथड को अप्लाई करके हम जो बेसिकली ये कंपैरिजन करते हैं हमारे प्राइस का और आर्म्स लेंथ प्राइस का। और कंपैरिजन किससे करते हैं? टेस्टेड पार्टी, मतलब हमारे ही ट्रांजेक्शन जैसा कोई ट्रांजेक्शन किसी दूसरी कंपनी ने किया हो उससे हम बेसिकली कंपेयर करते हैं। वो ट्रांजेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं सर? तो प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, हम डेटाबेस कंसीडर करते हैं। मार्केट में से बहुत सारी कंपनीज हैं जो डेटाबेस प्रोवाइड करती हैं, तो वो डेटाबेस आपको परचेस करना, तो उस डेटाबेस से आपको आपका जो रिपोर्ट है वो बेसिकली आपको प्रिपेयर करना होता है। तो एज अ अकाउंटेंट ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफाइल देखने के लिए मिलेगा, मैं खास करके मल्टीनेशनल कंपनी की बात करूं तो अगर आप आपके करियर में एनहांसमेंट देख रहे हैं तो आप इस चीज की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये आपको काफी यूजफुल हो सकता है आपके करियर ग्रोथ में, आपके इनकम ग्रोथ में, आपके जॉब प्रोफाइल ग्रोथ में। ठीक है, बट फिर भी कुछ नहीं समझा हो, कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच।